वैसे जरूरी तो नहीं, पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दिया करें। भूतिया चिड़िया का घर। माँ तुम क्यों मर गई माँ? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? पापा ने एक नई माँ लाई है, पर वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। वो मुझे मारती है, घर के काम कराती है। काश मैं तुम्हें बचा पाता माँ। बेटा मुझे भी तुम बहुत प्यार आते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। झूठ, तुम अगर मुझसे प्यार करती तो मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारे बाप का काम है, उसने ही मुझे मारा था और उसका तो भी इसमें हाथ है, उसी के कहने पे तुम्हारे बाप ने मुझे मारा था। उन दोनों से मैं बदला लूंगी। ऐसा कहकर माँ अपने बेटे को गले से लगा लेती है। फिर रात हो जाती है। कौन है कौन है वहाँ? क्या हुआ कालू जी, तुम इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? किसी ने मेरा नाम पुकारा रानो। लगता है आपको वहम हो गया है, सो जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर कालू कौवा रानो की बात मानकर चुपचाप सो जाता है। कालू कौवे को फिर से आवाज आने लग जाती है। कालू कालू मेरे पास आओ, मैं यहाँ बगीचे में हूँ, मैं यहाँ मिट्टी में फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकालो। कालू मेरा दम घुट रहा है, कालू मुझे बाहर निकालो। कालू आओ बगीचे में आओ। भूत, यहाँ पर भूत है, वो भी गोरी भूत बन चुकी है। रानो रानो उठो, गोरी भूत बन चुकी है। कालू यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, चुपचाप सो जाओ। तो तू है रानो जिसके लिए कालू ने मुझे मारा था? तो मैं फिर पहले रानो को मारती हूँ, फिर तेरे पास आऊंगी। कालू ये किसकी आवाज है? ये गोरी की आवाज है, गोरी। कालू गोरी तो मर चुकी है, लगता है हमें कोई डरा रहा है। रानो गोरी भूत बन चुकी है, वो हमें मार देगी। कालू भूत भूत कुछ नहीं होता, ये तो बस वहम होता है। चलो बगीचे में जाकर देखते हैं कौन हमें आवाज देकर डरा रहा है। बेचारा कालू कौवा जो पहले ही डरा हुआ था, वो बगीचे में रानो के साथ जाने से मना कर देता है। नहीं मैं बगीचे में नहीं जाऊंगा, वहाँ पर गोरी का भूत है। कालू तुम कितने डरपोक हो, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने डरपोक हो तो मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करती। तुम यहीं पर बैठकर गोरी का नाम जपते रहो, मैं ही जाकर देखती हूँ कि आखिर बगीचे में कौन है। रानो अकेले ही बगीचे की ओर जाती है और वह देखती है ये कालू भी ना कितना डरपोक है, गोरी तो मिट्टी में मिल चुकी है, वो अब वापस नहीं आने वाली। क्या कहा? गोरी मिट्टी में मिल गई है, गोरी आ गई है, मुझे खून चाहिए, मैं खून की प्यासी हूँ। गोरी गोरी मैंने तुम्हें नहीं मारा, मुझे तो पता भी नहीं था कि कालू ने तुम्हें मार दिया है। मैं तो यहाँ अनजाने में आ गई थी, मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ये कालू ने मुझे किडनैप करके लाया है। मुझे जाने दो गोरी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम चाहे तो कालू को मार सकती हो, मैं बाहर जाकर किसी को भी कुछ नहीं कहूँगी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ गोरी, मुझे जाने दो। क्या तुम मुझे उल्लू समझती है रानो, जो मैं तेरे बातों में आ जाऊंगी? तुझे सौतन बनना था ना, पहले तुझे मारूंगी फिर कालू को मारूंगी, तीनों मिलकर साथ रहेंगे, तू मेरी सौतन बन जाएगी रानो।
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मारना होगा, तुझे मारकर मैं तेरा खून पी जाऊंगी। रानू का खून तो बहुत स्वादिष्ट है, चल कालू, मुझे तुम्हारे खून का मजा चखना है, मेरी प्यास अभी बुझी नहीं, आओ मेरे पास, मेरे प्यारे पतीले, तुम्हें खून देखना अच्छा लगता है ना? आज अपने खून को भी अपनी मरी हुई आंखों से देखना। नहीं गौरी, मुझे मत मारो, मुझे मार दोगी तो हमारे बच्चे का क्या होगा, वो कहाँ रहेगा? बेटा जग्गू, तू कुछ समझा अपनी माँ को कि मुझे माफ कर दे, मुझे ना मारे। पापा, मैंने आपको बहुत रोका था, पर आपने मेरी एक ना सुनी और मुझे मेरी माँ से जुदा कर दिया, आपको सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो आखिर कालू ने गौरी को क्यों मारा था, चलिए जानते हैं उस रात क्या हुआ था। कालू कौवे की शादी गोरी कौवे के साथ हो जाती है, पर कालू कौवा नशा करता था और गोरी कौवे को पसंद नहीं करता था। कालू कौवा रानो चिड़िया को पसंद करता था। कालू, आखिर कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम अपनी पत्नी गोरी कौवे को डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते? नहीं रानो, मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता, मेरी सारी जायदाद उसी रानो चिड़िया के नाम पर है, अगर मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी और मैं भिख मंगा बन जाऊंगा, इसीलिए मैं उस गोरी कवि को झेल रहा हूँ। क्यों ना उस गोरी कवि को मार दे और उसकी जायदाद पर उसके पंख का निशान ले ले और उसे कहीं दफना कर बैठ जाते हैं। ये इतना आसान नहीं है रानो, किसी को पता चल गया तो हमें फांसी हो सकती है, हमें सोच समझ कर प्लान बनाना होगा, तभी हम जाकर गोरी को मार सकते हैं। सही वक्त आने का इंतजार करो रानो, इंतजार का फल मीठा होता है, मैं उसको मार कर तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारूंगा। ठीक है कालू, मैं तुम्हारे लिए मरते दम तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। मरने का नाम मत लो रानो, हम जल्द ही शादी कर लेंगे, अभी मैं चलता हूँ, अगर देर हो गई तो गोरी सीआईडी बन जाती है। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपने घर वापस आ जाता है। कालू जी, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? बस मेरा दोस्त मिल गया था, उसी से बातें करते करते इतनी देर हो गई है। क्या क्या आपके दोस्त भी आपकी तरह फालतू बैठे रहते हैं? क्या मतलब है तुम्हारी बात का, तुम मुझे फालतू समझती हो? फालतू ना कहूँ तो क्या कहूँ कालू जी, आपको आप कोई काम तो करते नहीं, आवारा जंगल में घूमते रहते हो, कुछ काम धाम कीजिए कालू, वरना हम रास्ते पर आ जाएंगे, हमारे खेत भी बिक गए हैं, सिर्फ ये घर और अलमारी में कुछ पैसे बचे हैं, अगर वो भी खत्म हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा कालू जी। ये मेरे पिताजी की जायदाद है जो तुमने जबरदस्ती से अपने नाम करवा ली है, अगर हम रास्ते पर आ गए तो आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते रात भी हो जाती है। कालू कौवा नशा करके गोरी के पास आता है और गोरी से कहता है, अरे ओ गोरी, तू मुझे निकम्मा समझती है, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? मैं तुझसे नहीं डरता, जो मैं तुझे आज कहूँगा वो तुझे आज करना होगा, ले पेपर और लगा अपना पंख इस पेपर पर। छी, आपने शराब पी रखी है कालू जी, मैं आपसे कल बात करूँगी, आप अभी सो जाइए। नहीं, मुझे अभी के अभी इस पेपर पर तुम्हारे पंख चाहिए तो चाहिए। ये कौन से पेपर है कालू जी? ये जायदाद के पेपर है, इसमें ये लिखा है कि तू ये सारी जायदाद मेरे नाम करती है, नहीं नहीं कालू के नाम पर करती है, यही लिखा है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी कालू जी, एक बेवड़े के हाथ जायदाद कर दूंगी तो जायदाद का सत्यानाश हो जाएगा। तू मुझे बेवड़ा कह रही है,
मैं तुझे आज मार ही डालता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा गोरी कौवी को डंडे से मारने लगता है। मेरी कुंडली का ग्रहण है, मैं तेरे होते हुए कभी खुश नहीं रह सकता। कालू कौवा जब्बू को धक्का दे देता है और गोरी कौवी को जोर जोर से मारने लगता है और कुछ ही देर में गोरी कौवी मर जाती है। कालू भूल गया तू उस रात को जब तूने मुझे बेदर्दी से मार दिया था और मेरे बेटे को भी धक्का देके चोट पहुंचाई थी तूने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरा आज आखिरी दिन है इस दुनिया में, मैं तेरा खून पी के अपनी प्यास बुझाऊंगी। ये कहकर गोरी कौवी कालू का गला काटकर उसे मार देती है। जब्बू बेटा मेरे जाने का वक्त आ गया है, मैं तुझे ऊपर से देखा करूंगी, तू मेरी बहन सुंदर कौवी के साथ रहना, वो तेरा ख्याल रखेगी, मैं तुझे हमेशा याद करूंगी बेटा। माँ मत जाओ माँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे भी साथ ले जाओ। बेटा तुझे मेरी कसम, अब से तू एक अच्छा पक्षी बनेगा, अपने पापा की तरह बिल्कुल नहीं बनेगा। ये कहकर माँ बेटा गले लग जाते हैं और आसमान से एक रोशनी आती है और गोरी कौवी गायब हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। संडे की सुबह सब बच्चे अपने अपने घरों में पानी पूरी वाले का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। उधर से एक आवाज आती है, पानी पूरी वाले, तीखे तीखे पानी पूरी वाले, आ जाओ ले जाओ मजेदार तीखे तीखे पानी पूरी वाले, पानी पूरी वाले, पानी पूरी वाले, तीखे तीखे पानी पूरी वाले, आ जाओ ले जाओ मजेदार तीखे तीखे पानी पूरी वाले। एक नन्ही परी जिसका नाम गुड़िया है, वो घर से भागती हुई आती है और बोलती है, अंकल अंकल रुको, मुझे पानी पूरी खानी है। अरे अरे बेटा आ जाओ जल्दी से, बताओ कौन सा बना कर दूं, तीखा या बहुत तीखा? अंकल दिल तो करता बहुत तीखा खाऊं, मगर मेरे पापा को पता चला तो डांट पड़ेगी बहुत। बेटा तो वो आपको आपके अच्छे के लिए ही डांटते हैं, आप बहुत तीखा मत खाओ। जी बिल्कुल, दे दो मुझे अच्छा सा पानी पूरी बना के देना। गुड़िया अपनी पानी पूरी बहुत शौक से खाती है और आज भी छुट्टी के दिन वो पानी पूरी के मजे लेती है और कालू को पैसे दे के वापस चली जाती है। कालू कुछ आगे चलता है और भी बच्चे पानी पूरी के दीवाने होते हैं, वो भी आ जाते हैं। पानी पूरी वाले रुको मैं पैसे लाता हूँ, जाना नहीं। हाँ बेटा जरा जल्दी करो, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अंकल बस मम्मी पैसे निकाल रही है, और आपकी कौन सी फ्लाइट मिस होगी, कभी एरोप्लेन को देखा भी है आपने? मम्मी पैसे निकाल रही है या बना रही है अंदर बैठ के, आप खुद जाओ और पैसे लेके आओ, मैं रोज दिल्ली जाता हूँ पानी पूरी लेने के लिए। अंकल क्यों मजाक कर रहे हो, ये पानी पूरी तो आप घर पर ही बनाते होंगे। हाँ हाँ बेटा मैं मजाक ही कर रहा था, ये स्पेशल पानी पूरी है जो सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ और कोई नहीं। कालू से कुछ देर गुड्डू ऐसे ही बातें करता है और पानी पूरी खा के चला जाता है। The next day. अगले दिन जिस जिस बच्चे ने वो पानी पूरी खाई थी उन सबके पेट खराब हो जाते हैं और उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। सब बच्चों के माँ बाप उनको पानी पूरी खाने से मना कर देते हैं। नेक्स्ट संडे कालू वापस उसी जगह से गुजरता है और आवाज लगाता है, पानी पूरी वाले, तीखे तीखे पानी पूरी वाले, आ जाओ ले जाओ मजेदार
तीखे तीखे पानी पूरी वाले। मगर इस बार कोई बच्चा अपने घर से पानी पूरी खाने के लिए नहीं आता और वो परेशान हो जाता है कि आज कोई पानी पूरी लेने क्यों नहीं आ रहा। तो रास्ते में वो एक उल्लू को देखता है और उससे बात करता है। कैसे है उल्लू भाई, जरा एक बात तो बताना, सब बच्चे कहाँ चले गए हैं? आज तो कोई भी पानी पूरी लेने भी नहीं आया। अरे ओ कालू, तुम्हें पता नहीं पिछले संडे बहुत सारे बच्चे पानी पूरी खा के बीमार पड़ गए थे, जिसकी वजह से सब बच्चों को उनके माँ बाप ने मना किया है पानी पूरी खाने से। सब बच्चे मेरी पानी पूरी खा के एक साथ कैसे बीमार पड़ सकते हैं? ये तो तुम ही जानो कि तुमने अपने पानी पूरी में क्या मिलाया था जिससे सब बीमार पड़ गए। कालू परेशान होके घर की तरफ चल देता है। वो जा ही रहा था कि उसे एक तोता मिलता है। ये तोता बहुत समझदार था। कालू इसे अपनी सारी परेशानी बताता है कि मेरी पानी पूरी से बच्चे बीमार हो रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे इस काम के अलावा कुछ और नहीं आता। तोता बोलता है, कालू परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ जिससे दोबारा सब बच्चे तुमसे पानी पूरी भी खाएंगे और वो बीमार भी नहीं पड़ेंगे। हाँ मुझे जल्दी से बताओ क्या है वो ट्रिक। अरे ऐसे कैसे बता दूँ, पैसे लगेंगे इस ट्रिक को बताने के, तुम भी तो पैसे कमाओगे इससे। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तुम्हें कितने चाहिए? जितने भी होते दो बस, मैं एडजस्ट कर लूंगा। कालू उसे कुछ पैसे देता है और वो तोता कालू के कान में ट्रिक बताता है। वो उसे उस पानी पूरी में कुछ मिलाने को बोलता है। कालू बिल्कुल उसी के बताए हुए फॉर्मूले से पानी पूरी बनाता है और फिर अपनी पानी पूरी बेचने लग जाता है। पानी पूरी वाले, तीखे तीखे पानी पूरी वाले, आ जाओ ले जाओ मजेदार तीखे तीखे पानी पूरी वाले। जो कोई भी वो पानी पूरी खाता वो उसका दीवाना हो जाता। अब कालू काफी अमीर हो गया था। एक दिन वही तोता कालू से दोबारा मिलता है। कालू कैसे हो, अमीर हो गए हो यार, जरा मेरी हेल्प कर दो, कुछ पैसों की जरूरत है मुझे। मैं तुम्हें पहले भी काफी पैसे दे रहा हूँ, तुमने जो फॉर्मूला दिया था उसकी कीमत अदा कर चुका हूँ, अब कौन से पैसे मांग रहे हो? कालू इतने कंजूस ना बनो, तुमको याद है तुम्हारे पास कोई दूसरा काम नहीं था, मेरी वजह से इतने अमीर हो गए हो, अब तुम्हारी नीयत बदल रही है मुझसे। देखो मैं बार बार तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी। अच्छा ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर मेरे पास एक नया फॉर्मूला है जो पिछले फॉर्मूले से भी अच्छा है। वो कौन सा फॉर्मूला है मुझे बताओ। वो मैं अब तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैंने तुम्हें आजमा लिया, तुम एक खुदगर्ज पक्षी हो, तुम किसी के काम नहीं आते, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अरे यार तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम्हें मैं दे देता हूँ, प्लीज मुझे वो फॉर्मूला बता दो, मैं कमा के तुम्हें और पैसे दूंगा। ठीक है मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ, पर वादा करो तुम मुझसे इसके बदले अपने बिजनेस में 50% का पार्टनर बना लोगे। क्या क्या कहा, 50%? 50% तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ 50% का पार्टनर बनाते हो तो बोलो, वरना मुझे क्या फायदा तुम्हें फॉर्मूला देकर। कालू सोचता है, ठीक है मैं इसे 50% का भी पार्टनर बना लूंगा तो मुझे फिर भी फायदा ही होगा। हाँ ठीक है तोते, मुझे मंजूर है, तुम मुझे फॉर्मूला बताओ। तोता कालू को फॉर्मूला बता देता है और कालू उस फॉर्मूले के अनुसार पानी पूरी की रेसिपी चेंज कर लेता है। अगले दिन जब वो बाजार में पानी पूरी बेचने जाता है तो पानी पूरी वाले, तीखे तीखे पानी पूरी वाले, आ जाओ ले जाओ मजेदार तीखे तीखे पानी पूरी वाले। पक्षी के बच्चे उस पानी पूरी को ना पसंद करते हैं। कालू परेशान होकर घर वापस आ जाता है। अरे यार ये कैसा फॉर्मूला बताया है इस तोते ने, आज तो एक भी ग्राहक नहीं मिला मुझे। कालू मायूस हो जाता है और तोते के पास जाकर शिकायत करता है कि तुमने मुझे ये कैसा फॉर्मूला दे दिया है। तुमने मेरे एहसान के बदले मुझे गलत व्यवहार किया,
मैंने भी अपने तरीके से अपना बदला ले लिया है। अरे यार, ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने तो तुम्हें 50% देने का वादा भी किया था ना। बाहर में जाए 50%। अगर मुझे अमीर ही बनना था तो मैंने तुम्हें जो फॉर्मूला दिया था उसे मैं ही इस्तेमाल करके अमीर बन जाता। लेकिन पैसे तो मैं अभी भी कमा सकता हूँ पुराने फॉर्मूले को इस्तेमाल करके। मेरा तो फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, मगर मेरे दिल को सुकून मिल गया तुमसे बदला लेकर। लेकिन एक बात याद रखना, जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया है वो मैं किसी और को भी बता सकता हूँ। अरे प्लीज मत बताना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर सभी मेरी तरह पानी पूरी बेचने लग गए तो मेरे से कौन खरीदेगा। हाँ ये बात है, देखा अब आए ना लाइन पे। तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए था मुझसे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है और कालू इस सोच में डूबा हुआ था कि अगर तोते ने फॉर्मूला किसी और को बता दिया तो मैं क्या करूँगा। यही सोचते सोचते एक दिन बीत जाता है और कालू दोबारा पुराने फॉर्मूले से पानी पूरी बना लेता है और वह पानी पूरी को बेचने निकलता है। पानी पूरी वाले, तीखे तीखे पानी पूरी वाले, आ जाओ ले जाओ मजेदार तीखे तीखे पानी पूरी वाले। मगर इस बार उससे कोई भी पानी पूरी नहीं लेता, क्योंकि तोते ने अपना काम दिखा दिया था। तोते ने उसी रेसिपी के साथ अपना स्टॉल लगा लिया था। तोते को पैसों की तो लालच नहीं थी, मगर फिर भी वो कालू को सबक सिखाने के लिए उसी फॉर्मूले के साथ पानी पूरी का स्टॉल लगा लेता है। क्योंकि पिछले दिन कालू कौवे के पानी पूरी अच्छे नहीं थे तो सभी पक्षी तोते से ही पानी पूरी ले लेते हैं, जिसकी वजह से उस दिन कालू कौवे की एक भी पानी पूरी नहीं बिकती और अब पक्षी रोज तोते से ही पानी पूरी लेने लगे। ऐसा करके तोता कालू कौवे को सबक सिखाता है और एहसास दिलाता है कि हमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। वक्त कैसे बदल जाए किसी को पता नहीं। जिसने हमारी सहायता की हमें उसकी सहायता करने से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आज का सवाल, तोते ने कालू कौवे को जो पहले पानी पूरी में डालने का फॉर्मूला बताया था वो क्या था? देखते हैं किसने कहानी ध्यान से देखी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में स्टोरी का बेस्ट पार्ट लिखना ना भूलें। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।